नमस्कार दोस्तों, ढाई आखर पोथी में आज हम जानेंगे कि किस ग्रह से कौन से पेड़ पौधे आपके संकट को दूर कर भाग्य को जगाने वाले होते हैं। मानव कल्याण के लिए ज्योतिष में कुछ पेड़ पौधों की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। कुछ वृक्षों वनस्पतियों की पूजा करने से आपके जीवन में आने वाली नकारात्मक संयोग दूर करने में भी सहायक सिद्ध होते हैं। ज्योतिष के मुताबिक पेड़ पौधों में भी ग्रहों का वास होता है, यानी अगर ग्रह दोष से मुक्ति के लिए पौधे लगाएंगे तो जीवन में हरियाली ही हरियाली और चिंता से मुक्त होने की आस भी बढ़ेगी। अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह अशुभ प्रभाव दे रहा है तो ज्योतिष के मुताबिक पेड़ पौधों की जरूरी सलाह से इसके अशुभ असर से छुटकारा पा सकते हैं। जिस भी ग्रह की दशा खराब हो उससे जुड़े पेड़ पौधों की पूजा कर लेना चाहिए। इससे ग्रह स्वामी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने अशुभ प्रभाव को खत्म कर शुभ फल देने वाले होते हैं। ज्योतिष में पीपल के पेड़ और केले के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। बृहस्पति ग्रह का सीधा संबंध पीपल के वृक्ष के साथ होता है। अगर कुंडली में बृहस्पति ग्रह अस्त हो, वक्री हो या किसी अन्य पाप ग्रह के साथ से कमजोर हो रहे हों तो जातक को पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा केले की पूजा करने से भी व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है। केले की पूजा करने से अविवाहित लोगों का विवाह जल्दी हो जाता है। केले का पेड़ पवित्र माना जाता है और धार्मिक कार्यों में भी इसका उपयोग किया जाता है। हर शुभ कार्य में केले के पत्तों का पूजन किया जाता है। कई बार कुंडली में ग्रह उच्च और मजबूत होता है लेकिन गोचर में वक्री या अस्त हो जाए तो जातक को पेड़ों की सेवा नित्य करनी चाहिए। पीपल में जल अर्पित करने से सभी प्रकार के ग्रह दोष दूर हो जाते हैं और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा अन्य वृक्ष जैसे नीम, बरगद, बेलपत्र, अशोक, चंदन, आम आदि की भी पूजा की जाती है या इनके फल, पत्ते, फूल, तने को भी पूजा में शामिल किया जाता है। पीपल में जल चढ़ाने से शनि की साढ़े छाती या ढैया से भी बहुत जल्द मुक्ति मिल जाती है। अपनी कुंडली के अनुसार अपने लिए शुभ वनस्पति का ज्ञान अवश्य ही कर लेना चाहिए। किसी भी ज्योतिषी को कुंडली दिखाकर अपने लग्न अनुसार पेड़ पौधे लगाए जाएं तो पूर्ण लाभ मिलता है। काल सर्प दोष का प्रभाव भी कम होता है। जिन लोगों का भाग्य साथ नहीं देता उन्हें पीपल में प्रतिदिन जल चढ़ाकर सात परिक्रमा करनी चाहिए। इससे कुछ ही दिनों में व्यक्ति को भाग्य का साथ अवश्य मिलेगा। इसके अलावा आप अपने लग्न के अनुसार या राशि के अनुसार इन पौधों को लगा करके भी पूजा कर सकते हैं। ये जानकारी हम आपको ग्रह के हिसाब से और वनस्पति के हिसाब से जोड़कर दे रहे हैं। सूर्य के साथ लाल गुलाब, मदार या कनेर की वनस्पति जुड़ी होती है। गुरु के साथ केला और पीपल, शुक्र के साथ गूलर या तुलसी, शनि के साथ शमी का पौधा, चंद्र के साथ पलाश या चमेली सफ़ेद फूल जुड़ा होता है। बुध के साथ अपामार्ग या पान का वनस्पति जुड़ा होता है। मंगल के साथ गुड़हल, खेर या लाल चंदन जुड़ा होता है। राहु के साथ ध्रुवा, नीम या सदा सुहाग जुड़ा होता है और केतु के साथ अनार का पौधा जुड़ा होता है। दोस्तों, ज्ञान की प्राप्ति महापुरुषों को वृक्षों के निकट ही मिली थी। वृक्षों में ज्ञान का अनंत स्रोत विद्वान है, ऐसा सभी ज्ञानी जनों का कथन है। आप भी वृक्षों और वनस्पतियों की सेवा कर अपने ग्रह अनुसार उसका लाभ प्राप्त करें ताकि आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो।